थको तो मैं भी हूँ। कल मेरे को चैलेंज किए थे ना आपने, किस चीज के लिए? कि मम्मी आपका कितने दिन हो गए। हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों? आप लोग सुबह के बज रहे हैं 9 और आपका भाई आज 9 बजे उठ गया है। और आज जल्दी उठने के पीछे का रीजन है, घर के पीछे जो वॉल है उसका काम हो चुका है यहाँ पे शुरू। बच के तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिक्सचर चल रहा है यहाँ पे। मास्टर जी हेल्प कर रहे हैं ऊपर, मिस्त्री साहब भी आ गए और मासी भी स्टिल लगी हुई है। तो मास्टर जी ज़्यादा थक ना जाए इसलिए अभी मेरे को भी जाना पड़ेगा ग्राउंड में। ये दोस्तों मिक्स करना कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं है, हाँ अगर बीच में बजरी हो फिर हार्ड हो जाता है थोड़ा सा। दोस्तों दीवार को प्रॉपर गीली कर रहे हैं ताकि इसके बीच की जो मिट्टी है वो अच्छे से निकल जाए और जो सीमेंट इसके ऊपर लगाएंगे वो अपनी पकड़ अच्छे से बना ले। तो अभी जस्ट मैंने मिस्त्री से पूछा कि मिस्त्री साहब कब तक जो काम है वो एंड हो जाएगा इस दीवार का, तो उनका कहना है कि शाम तक भी एंड हो सकता है। वो तो शायद दोस्तों आपको व्लॉग में पता चल ही जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज ब्रोनी बहुत सैड है। देखो भाई किस तरह से चुपचाप रेत में लेट रखा है, ठीक है। और इसके सैड होने के पीछे का रीज़न ये है कि दोस्तों मैंने इसे डांटा है। देखो यार ऐसे तो मैं नहीं डांटना चाहता, लेकिन ये करते क्या है, ब्रोनी हो गया और चार पांच कुत्ते और आते हैं अलग अलग गांव से, ये उनके साथ मिक्स होके क्या करता है कि यहाँ जो गांव वाले लोग हैं उनके खेतों में जा जाके ये लड़ते हैं। अब लोगों ने मक्के उगाए हैं, मक्के अभी आई के एक हाथ के बराबर हुए हैं, तो वो सारे के सारे मक्के भाई इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया लोगों के जा जाके। अब होता क्या है दोस्तों कि बाकी के जो कुत्ते हैं वो तो है लवारिस, उनके कोई मालिक है नहीं, तो उन लोगों को दिखता है ब्रोनी तो वो आके मुझे सुनाने लग जाते हैं, मेरे घर वालों को सुनाने लग जाते हैं कि आपका कुत्ता देखो यार हमारा इतना नुकसान कर गया, ये तोड़ गया, मतलब किया किराया किसी और का, और घड़ा जो फूटता है वो फूटता है हमारे सर के ऊपर। तो इसलिए मैंने सोचा है कि थोड़ा इसको कुछ दिन बांध के रखूँगा जब तक कि मक्के थोड़े बड़े ना हो जाए। और ऊपर से मतलब डांटा कोई पीटा वगैरह नहीं, अगर मैं इसको नॉर्मल भी डांट देता हूँ ऐसे तो ये घर को नहीं आता, चुपचाप कहीं पर लेट जाता है। इसको पता होता है कि आज मैं गलती करके आया हूँ और आज मुझे डांट पड़ेगी। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो भाई घर वालों के लिए मेले लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से चांदी के क्या बोलते हैं कोनो हिंदी में क्या बोलते हैं जेवरात, तुमने खरीदा कुछ? मम्मी लेके नहीं दे रही मेरे को कुछ। मम्मी क्यों नहीं लेके दे रहे? अपने के लिए, खुद के लिए लिए मम्मी ने। मेरे लिए मैं कब से 2 घंटे की बैठी हूँ, मम्मी ने मेरे लिए। तुम्हारे लिए है क्या वो सामान? अपने बेटे से किस, पता नहीं क्या है। मैं तो काम पे लगा हूँ, आपसे मांगेगी ना? अभी तो आया ना, अभी लगे दे दो ना इसको। ले लो, क्या लेना क्या है? चलो कैमरे का एक फायदा हुआ, मम्मी मेरे को कुछ लेके तो दे दी। चलो वाले आगे बोलना। चलो बढ़िया है। ये देखो यार बात हुई थी दीक्षु की, लेकिन इन्होंने जो वो रिंग लेके दे दी मुझे और बोल रहे हैं कि ये रिंग उस टाइम पे काम आती है जबकि बेद जब लगती है, ठीक है, तो लड़की का भाई भी वहाँ पे जाके कुछ करवाता है तो मतलब हाथ में बोलते रिंग होनी चाहिए। सो और मैं मान गया भाई इन लोगों को जो कि डील करते हैं घर में आके लेडीज़ के साथ, मतलब भाई रेट के पीछे इतनी लड़ाई होती है, मतलब क्या ही बोले दोस्तों, भाई 50 की चीज़ है वो 20 देने हैं 10 देने हैं, मतलब पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है। मैं कम से कम वहाँ पे 20 मिनट बैठा तो भाई इतना शोर मचाया मैंने बाद में बोला, मैंने कहा रहने दो मैं खुद जाऊँगा मार्केट में खुद रिंग ले आऊँगा। सामने वाला बंदा एग्री नहीं कर रहा, बोलता है मैं 700 लूँगा, वो बोल रहे मैं 650 दूँगा, तो हमारा भाई है ये है वो है, सारे लोग चाची ताई इकट्ठे मिल के सारों ने अटैक कर दिया था, लास्ट में बंदे को हार माननी पड़ी। तो यार ऐसे बंदे जो भाई मतलब सिचुएशन में बिजनेस कर जाते हैं उन लोगों को मैं मान जाता हूँ। तो खैर अभी चलता हूँ वापस काम पे। तो गाइस अभी लगभग दिन के 1:30 बज चुके हैं और काम जो है वो कंटिन्यू स्टिल चल रहा है, लेकिन उससे पहले खा लेते हैं भाई खाना। खाने में बना है यहाँ पे आप देख सकते हैं शिमला मिर्च, आलू, चपाती, प्याज और थोड़ा सा अचार। तो पहले दोस्तों मैं खा लेता हूँ खाना और उसके बाद में जो मिस्त्री वगैरह आ जाएंगे वे भी खा लेंगे। एंड भाई खाना बना लाजवाब। गेम दीक्षु तुझे देख के भाई याद आ रही है मुझे, पता है याद तेरी आएगी। जो चली जाएगी। तो खाना कौन बनाएगा यार, सच में बड़ी टेंशन हो रही है मुझे। सच में बहुत अच्छा बना है। तो अभी लगभग दोस्तों दोपहर के खाने के बाद 3 बज रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो काम है वो कहाँ तक पहुँचा है। ऊपर ऊपर की तरफ जो है वो अच्छे से प्लास्टर हो गया है एंड अब नीचे वाली जो ये साइड है ये वाली जो अब यहाँ पे करना बाकी है, और सारा का सारा जो सिस्टम यहाँ पे लगाया था लकड़ी का ऊपर चढ़ने के लिए वो भी हटा दिया है। तो अब थोड़ा टाइम जो है वो यहाँ पे लगने वाला है। इस दीवार के अलावा दोस्तों यहाँ पे घर के इस तरफ भी एक दीवार थी जो कि मिट्टी की थी, हालांकि ये दीवार छोटी है। और यहाँ पे देखो भाई मेरे छोटे छोटे दोस्त जो हमेशा बिन बुलाए आ जाते हैं और पूरा काम करते हैं भाई,
तो यहाँ पे क्या था ना, ये एक्चुअली बहुत रिस्की रहता था क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर से स्नेक वगैरह निकल गए और फिर वो सारे के सारे स्नेक जो वो मतलब इधर से घुस के अंदर पहुँचने का डर रहता था। तो मम्मी ने बोला कि इसको भी पूरी की पूरी जो वो पक्की करवा देते हैं ताकि कोई भी रिस्क किसी टाइप का ना रहे। तो अभी ये मिट्टी में फटाफट हटा लेता हूँ। तो गाइस यार अभी लगभग शाम के 5 बज रहे हैं और घर वालों ने मुझे भेज दिया है भाई अपने यहाँ पे लोकल मार्केट के लिए। बोल रहे हैं कि कुछ सामान लेके आना है। आपको पता मासी और मासड़ भी कल से लगे हुए हैं और ऊपर से भाई जो भी होता है सब्जी वगैरह सारी वो चीज़ें मंगवाई है। तो अभी फटाफट से मैं मार्केट जाके आता हूँ। दोस्तों ठंडा टमाटो वगैरह जो सब्जी है वो सारी मैं लेके आ गया हूँ और अभी मैं लौट रहा हूँ घर की तरफ। मम्मी ने बोला था कि जल्दी जल्दी आ जाना क्योंकि मास्टर और मिस्त्री वगैरह जो हैं वो चले जाएंगे शाम को, ठीक है, उनका घर थोड़ा यहाँ से दूर है। तो मैंने अभी जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी मैं जाके आया। मुझे लगता है कि अभी लगभग मुझे गए 20 से 25 मिनट हुए हैं। तो चलो फटाफट चलते हैं घर में पहुँचते हैं। सो गाइस यार अभी मैं पहुँचा हूँ भाई मार्केट से आके एंड आप देख सकते हो मेरे पीछे जो वॉल है उसका काम जो दोस्तों प्रॉपरली यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। अब भाई ये सूखेगी तो बिल्कुल उसके साथ में मैच कर जाएगी पूरी की पूरी और जब इसके ऊपर पेंट हो जाएगा भाई फिर तो मतलब ये व्यू जो है वो अल्टीमेट ही दिखने वाला है। इसके अलावा अभी वहाँ पे काम चल रहा है, मैं वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ। लेकिन यार उससे पहले आप लोगों के साथ एक चीज़ बोलना चाहूँगा, थैंक यू। आप यार पहले दिन से देख रहे हो, ठीक है, और आपने हर एक चीज़ देखी है कि कैसे धीरे धीरे करके मैं सारी चीज़ों को चेंज करता जा रहा हूँ और इन सारी चीज़ों को चेंज मैं तभी कर पा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आप लोगों का प्यार, आप लोगों की सपोर्ट मेरे साथ है। तो जो भी कोई मेरा व्यूअर मेरी वीडियो देखता है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, उसको मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी जो काम है लगभग दोस्तों डन हो चुका है। खाली ये थोड़ा सा बचा है, मतलब आप स्नेक नेक की कोई भी टेंशन नहीं है। एंड स्पेशल थैंक्स टू नीतू, थैंक यू। आगे से क्या बोलते हैं? थैंक यू मैं बोलूँगा, तुम क्या बोलोगे? हाँ शाबाश, तुम्हें भी थैंक यू, वेलकम। लिपस्टिक कहाँ लगा के आ गई? शादी करवा दी नहीं तेरी अभी है ना? खुश हो जनाब? क्यों, मतलब काम हो गया? जैसे थक गई हूँ मैं इसलिए खुश हूँ। ये तो थका तो मैं भी हूँ। कल मेरे को चैलेंज किए थे ना आपने, किस चीज के लिए? कि मम्मी आपका कितने दिन हो गए कपड़े बदलाए हुए। हाँ, कल से कपड़े बदलाए, आज देखो कैसी हो गई है मेरी हालत। हाँ तो अच्छे लग रहे हो कल से। कैसे अच्छे लग रहे हैं, यहाँ देखो। लो अच्छे, तो वो तो काम होता है तो थोड़ा बहुत काम तो करना पड़ता है, सब मिल बांट के काम। थोड़ा बहुत किया बच्चे, ज्यादा किया मुझे पता है। तो सबने ज्यादा किया। मासड़ को देखो क्या हालत हो गई है, मासड़ की पसीने निकल पड़े। मासड़ तो था, सबसे बुरी हालत हो गई मासड़ की। तो अभी सेवा पानी के लिए मैं चलता हूँ अभी कुकिंग में, ठीक है। तो गाइस यार अभी कुकिंग जो है वो मैं कर रहा हूँ और आप में से बहुत से लोगों को पता ही है ऑलरेडी कि मैं कुकिंग कब करता हूँ। अब दोस्तों नाम लूंगा तो बहुत से लोग तो वेट करते हैं कि बोलते हैं भाई ये वो, तो इसलिए यही बोल सकता हूँ कि भाई मेहमान आए हुए घर में, उनकी पसंद थी कि उनको कुछ स्पेशल खाना है और मैं अच्छा कुक करता हूँ तो भाई मैं लगा हुआ हूँ। बट एक चीज़ है कि मैं कितना भी अच्छा कुक कर लूँ बट नमक डालने का रिस्क कभी भी खुद से नहीं लेता। मम्मी नमक डाल दो प्लीज, कितना नमक डालना है? ठीक है, डाल दो, खुद बना रहे डाल भी लेते हैं। मैं डालता हूँ कभी नमक, देखा नमक डालते हैं। आज डाल के दिखा दे कैसा होता है, आज डाल के दिखा दो। हाँ दिखा, चलो ठीक है, आज मैं नमक डाल के दिखाई देता हूँ, अगर ज्यादा हुआ तो मुझे मत बोलना, ठीक है। ओके दोस्तों अभी जस्ट मैंने कुकिंग फिनिश करी एंड बैठा हूँ रूम में एंड आप देख सकते हैं शर्ट वगैरह मैंने चेंज कर ली क्योंकि भाई सिमेंट से जो वो बड़ी बुरी हालत हो गई थी। और एक चीज़ इंटरेस्टिंग बता दूँ आपको कि फर्स्ट टाइम आज खाने में मैंने नमक ट्राई किया और सच में तुक्का बिल्कुल सही लग गया दोस्तों। सारे लोगों ने में से किसी ने नहीं बोला कि नमक ज़्यादा है या कम है, बोल रहे थे बहुत अच्छा बनाया हुआ है। बाकी ऑल ओवर बात करूँ दोस्तों सारा दिन की, तो दिन को आपको पता है भाई भाग दौड़ लगी रही, काम भी मैं करता रहा, तो ऐसे में जो बॉडी है ना भाई जब शाम को सोता हूँ तो पूरा ऐसे मतलब 12 तक फिर मतलब जाग आने के कोई चांस ही नहीं बनते। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अपने ब्लॉग में कि लोगों के बज रहे 12 और मेरी हो गई है सुबह, क्योंकि अभी पता आपको अभी बैठ के एडिटिंग भी करूँगा, सुबह जाकर उसको अपलोड भी करना होता है। तो खैर दोस्तों छोड़िए इन बातों को, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप लोगों को पता ही यार आपको क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, अगर आप नए आए तो आपने करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है दोस्तों, और कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और वीडियो में। भगवान का आपका समय शुभ हो, टेक केयर एंड बाय बाय।